सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम अगेन इन बी विद बीनू। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ पर्टिकुलर 4-5 बेसिक योगासनास जिसके थ्रू मैंने अपनी नी पेन को क्योर किया। अब जब मैं क्योर किया बोल रही हूँ तो काफ़ी हद तक मुझे आराम मिला, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ 15 दिन या एक महीने में रिलीफ मिल गया था। योगा धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिकवर करता है, हम कह सकते हैं धीरे धीरे फंक्शनैलिटी बढ़ती है। अभी यहाँ पर जो मेरा प्रॉब्लम था नी पेन का, वो काफ़ी क्योर हो चुका है। यानी अर्लियर देयर वॉज अ प्रॉब्लम कि मैं ऐसे खड़े नहीं हो सकती थी, मुझे यूँ पेन होता था। इस वाले नी पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल था कि बैठना उठना, बट अभी मैं रिलैक्सली आराम से अपने काम करती हूँ, उठती हूँ बैठती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। अगर नी पेन है तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और नहीं है तो भी आप ज़रूर से करिएगा, मॉर्निंग आधा घंटा ज़रूर खुद को दीजिए, खुद के साथ बैठिए, ताकि ये प्रॉब्लम आपको आए ही ना। सो लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमें सिंपली अपने लेग स्ट्रेच करके बैठना है ऐसे, एंड देन आपको अपने टोस को अप साइड एंड डाउन साइड मूव करना है विद स्ट्रेच। और ये जो स्ट्रेच है आपके काफ एरिया में, इस डाउनवर्ड्स एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा। और हाँ, अगर आपने योगा कभी किया ही नहीं है तो ऑफकोर्स, या कभी कभी आप करते हैं, एक रूटीन में नहीं है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तक ऐसा लगेगा पैरों में और दर्द बढ़ गया है, क्योंकि स्ट्रेचिंग आपका जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मसल स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये सब काम होता है, तो आपकी मसल थोड़ा सा पेन करेंगी। बट आफ्टर 15 डेज एग्जैक्टली आपकी बॉडी हैबिट में आ चुकी होगी, फिर आपको यहाँ पर पेन नहीं होगा, राइट? तो यानी जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच आपको यहाँ पर फील होना चाहिए, हल्के से पेन के साथ ये स्ट्रेच आपको लगेगा, इसमें खिंचाव आना चाहिए। तो हमें टोस को अप साइड डाउन साइड, अप एंड डाउन, तो इस तरह से आप 10+10 के सेट से कर लीजिए। स्टार्टिंग पे मैं बता रही हूँ, बाद में आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर 1 by 1 हम करेंगे सेम अप साइड डाउन साइड, तो एक एक करके हमने काउंट किया। सिमिलरली 20 सेट्स हमने इसके किए, देन आफ्टर फुट रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 20 सेट हम करें क्लॉकवाइज एंड देन आफ्टर 20 सेट एंटी क्लॉकवाइज, राइट? यानी आपके एंकल पूरे रोटेशन में जाएंगे, और आप जब ये रोटेशन कर रहे हैं तो आपका नी रोटेशन के लिए जाएगा। तो ये आप 20-20 के सेटअप में कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर हम लेग्स को ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, देन सिमिलरली 10-20। अब इसके बाद क्या करना है हमें, सेम आपको अपने फिंगर्स को आपस में क्लच करके सेम अपने नी के नीचे इस पोर्शन पे होल्ड करना है। यहाँ पर आपने होल्ड किया और अपने लेग को आपको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है बैक को, और ये हम उठाएंगे ऊपर, और ऊपर उठा के इसको आपको अपनी तरफ को देंगे, ठीक है? जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं वो आपने कर लिया, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू एंड देन स्लोली डाउन, अगेन ऊपर उठाएंगे और टोस को स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ, अगेन डाउन। तो हमने 10 सेट से शुरू कर लीजिए, देन 15-20 सेट्स। तो मैं इसको 15-15 के सेट में करती हूँ, 15 टाइम हो जाता है तो मैं 20-20 कर लेती हूँ इवनिंग और मॉर्निंग। सेम आएगा इस वाले लेग पे, सेम चीज़ यहाँ भी हम करेंगे, अप स्ट्रेच करेंगे, डाउन स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ को जोर से हम स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद अगेन डाउन, राइट? अब सेम आपने 15 सेट यहाँ किए, 15 यहाँ पर करें, उसके बाद आपको एक बड़ा सा राउंड यानी ओ बनाना है इस तरह से, तो आपका नी रोटेट होना है। यहाँ पर आप जितना बड़ा ओ सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेम चीज आपको इस वाले पैर से करना है, क्लॉकवाइज, राइट? 10 सेट क्लॉकवाइज, 10 सेट एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद वापस हम एक बार फिर से अप एंड डाउन, अप साइड एंड डाउन साइड स्ट्रेच करेंगे, एंड देन आफ्टर आपको टर्न हो करके ये जो टोज एरिया है इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। पर अगर आप ऐसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप एक बेल्ट ले सकते हैं, या आपका जो दुपट्टा रहता है, अभी मेरे पास है नहीं, तो दुपट्टे को यहाँ पर होल्ड करके या टावल होल्ड करके इसे अपनी तरफ को स्ट्रेच करिए। अगर आप झुक नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम है पैकिंग का भी, इसके लिए आपको 1 मिनट स्ट्रेच करके, राइट? ये हो गया सेटिंग आसनास। अब इसके बाद हम नी रोटेशन करेंगे, ठीक है? एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको काफी एरिया में फील होगा, उसके बाद आप नी रोटेशन करेंगे। आपके जो नीज हैं, यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन योर नीज, ठीक है? हमने नीज पे ऐसे अपने हैंड को रख के इसको रोटेट करना है, 1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 10 सेट करेंगे हम क्लॉकवाइज, 1
थ्री, 10 सेट ऐसे आप कर लेंगे, 10 एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 10 क्लॉक वाइज, 10 एंटी क्लॉक वाइज हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब ये जो नी रोटेशन है ना, इसको आप दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। मैं यही करती थी, यानी किचन पे काम करते करते बहुत देर खड़े होते हैं ना, तो मैं हल्का सा स्ट्रेच करती हूँ और हल्के से नी रोटेशन कर लेती हूँ, 10 क्लॉक वाइज 10 एंटी क्लॉक वाइज, जब कभी इवन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, आप अपने ऑफिस पे चैम्बर पे बैठे होते हैं, आप 1 मिनट के लिए खड़े होंगे, ये नी रोटेशन कर सकते हैं। सिमिलरली ऑफिस पे अपनी चेयर पे बैठे बैठे आप जो फुट स्ट्रेचिंग अप एंड डाउन एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो ये एट द सेम टाइम आपको अपने टोस पे मूव करना है, यानी आपको हिल्स को उठाना है, 1, तो ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा आपके नी बॉल्स को, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप इनहेल करने के साथ में सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, हिल्स डाउन, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, राइट, इनहेल एक्सहेल साथ में, मैं तो इसे ताड़ासन के साथ करती हूँ, ये हमने स्ट्रेच किए अप साइड, एंड यू कैन मूव ऑल्सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्लो स्टेप, देन बैकवर्ड, 5, देन डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पैरों का थोड़ा सा हल्के से, जो झटके से नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से आराम से रिलैक्स करते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे, एंड सिंपल वॉक आपको करना है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग आप घर के अंदर हैं तो भी रिलैक्स फॉर्म में। सेकेंड, ये तो आपका नॉर्मल वॉक है, एग शेप वॉक आप जरूर अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा, यानी सपोज ये इनफिनाइट एग के शेप में, सपोज नीचे एग, इंग्लिश वाला जो एग होता है ना वो है, यहाँ पर हमने ऐसे एग ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमें मालूम होता है शेप, अगर अगर आप कन्फ्यूज हो तो बड़ा सा एक एग ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर आपको मूव करना चाहिए, ठीक है। सो बस ये सिंपल से कुछ बेसिक आसनास पहले आप इनको फॉलो कर लीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, और आप 1 महीना बिना रुके हुए, मॉर्निंग तो ज़रूर से करना है मुझे, मतलब 1.5 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें ये और कुछ और बेसिक आसनास मेरे हैं जो मैं ओवरऑल फिटनेस के लिए करती हूँ, और अब मेरी प्रैक्टिस में आ चुका है, एंड यू कैन सी आई एम परफेक्ट, मुझे वेट लॉस नहीं करना होता है हम से, बस नी पेन का इशू मेनली था, और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस इन शोल्डर्स, तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे उस यूनिवर्स की ग्रेस के साथ में कुछ नहीं है, आई फील वेरी लाइट विद दिस योगा आसनास। तो योगा वाकई में काम करता है, और हमारी कंट्री से निकल करके फॉरेन कंट्रीज में पहुँच चुका है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं इसका फायदा उठाते हैं। तो दवाओं पे बहुत ज्यादा मत जाइए, कोशिश करिएगा कि योगासना से हो जाए, और नी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी लोग 100% क्योर नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तब तो तुरंत से इसको फॉलो कर लीजिए, आधा घंटा शाम में करिए, आधा घंटा मॉर्निंग में करिए, और नी रोटेशन तो आप दिन में 3-4 बार में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, आप 1 महीना लगातार बिना एक भी दिन गैप किए हुए करिएगा, ट्रूली ऑनेस्टली, और 1 महीने बाद इसी वीडियो के नीचे आकर के प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। मैंने यहाँ पर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट मेनी ऑफ द वुमेन जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो भी एज अ हाउस होल्ड किड्स सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और ये जिम्मेदारियां हमारी, तो हमारी जिम्मेदारी हमारा घुटना उठाता है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को तभी उठा पाएंगे जब हमारे घुटने हमारी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। तो अपने नीज को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, और 1 महीने रेगुलर करने के बाद इसी वीडियो पे वापस आके मुझे कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। एंड यस, वन मोर थिंग, एक चीज मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 4 महीने से रेगुलर मैं जिस चीज के लिए हूँ, इज अबाउट द मैनिफेस्टेशन। तो मैं 4:30 के पास मैं डेली इस छत पे आ जाती हूँ, इस नीले होते आसमान को देखती हूँ, और अब मेरी प्रैक्टिस में ये इतना आ गया है कि अगर रात के 2 बजे भी सोए हैं तो मुझे 4:30 बजे यहाँ आना ही आना है, सेल्फ से एक साइकोलॉजिकल क्लॉक अभी मेरी सेट हो चुकी है, तो खुद ही नींद खुल जाती है और मैं यहाँ पर आती हूँ, एंड आई रियली फील वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर आकर के उस यूनिवर्स के साथ कन्वर्सेशन करती हूँ। आप जब भी परेशान है ना, क्योंकि देखो कोई इतना वहाँ नहीं है दुनिया में, तो आप अपने साथ बैठिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, और ब्रह्म मुहूर्त में आकर के एक बार शांत मेडिटेट फॉर्म में बैठ करके उस यूनिवर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उसके आगे सरेंडर कर दीजिए, आपको खुद से कुछ ना कुछ रास्ते दिखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कंफर्टेबल फील होगा, रिलैक्स फील होगा, हल्का लगेगा काफ़ी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, टेंशन, एंजाइटी आपकी है तो धीरे धीरे क्योर होगी। तो आपको कुछ बेसिक मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक आप कह लीजिए, या फिर आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन इसके साथ में जरूर फॉलो करने हैं, एज व्हाट आई डू लेट मी टेल यू। तो मैं जो फॉलो करती हूँ, यू हैव टू सिट लाइक दिस, टेक अ डीप ब्रीथ 5-10 के सेट में,
ठीक है, मैं तो अनुलोम विलोम करती हूँ जनरली प्रैक्टिस में. उसके बाद 5 to 6 हमने डीप ब्रीथ ले लिए एंड देन आफ्टर यूनिवर्स को याद करते हुए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ. सो मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. आई एम रियली थैंकफुल टू दैट यूनिवर्स. मेरी लाइफ खुशियों से भरी है. माई लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस एंड मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन. आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स. आई सरेंडर ऑल माई प्लान्स, डिजायर्स, प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ दैट यूनिवर्स, दैट डिवाइन पावर. एंड आई ट्रस्ट कि वो डिवाइन पावर मेरे लिए बेटर करके देगा. माई बॉडी इज फिट. आई एम हेल्दी एंड फिट. Every tissue, every shell of my body is functioning in a well-mannered. मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ, मैं एक निरोगी काया हूँ और हमेशा निरोगी रहूँगी. मेरा परिवार, मेरे चारों तरफ परमात्मा का एक पॉजिटिव प्रकाश पुंज का सर्कल घूमता है जो हमें हर परेशानी से बचा करके रखता है. मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ. वो यूनिवर्स मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है जो मुझे बहुत सारे सफल रास्तों की तरफ ले जा रहा है. मेरी सफलता निश्चित है क्योंकि वो यूनिवर्स मेरे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग कॉन्स्पायर कर रहा है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. तो ये बेसिक कुछ अफर्मेशंस हैं, शायद कुछ मैं भूल गई हूँ. अभी आपको एक चीज़ श्योरली मैनिफेस्ट करना है, बिलीव सिस्टम में लाना है कि मेरा ये योगा ना मुझे फिट कर रहा है. नाउ आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम हेल्दी. और अपने दर्द के बारे में गाना कम कर दीजिए. यस, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे ना उतना होगा, क्योंकि आपके थॉट्स आपका फ्यूचर क्रिएट करते हैं. साइंस इस चीज़ को प्रूव करता है. आप पर्टिकुलरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. टेस्ला निकोलस ने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपके थॉट्स आपके फ्यूचर को क्रिएट करते हैं. कुछ 2-4 बुक्स मैंने ऐसे थॉट्स साथ में पढ़े थे तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुई और इन चीज़ों को मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लिया और फील भी किया है. तो फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 5-6 लोग मुझे इस तरह से अभी लास्ट पूछे थे कि कैसे नी पेन आपका इतना क्योर हो गया. पहले तो बोलती थी तू कि बहुत पैर में दर्द है, तो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से होंगे जो शायद इस नी पेन से प्रॉब्लम हो. और दवाइयों पे आप कब तक डिपेंड रहेंगे? दवाइयाँ सोल्यूशन नहीं है. ऑनेस्टली टेलिंग यू, दवाई आपको क्योर नहीं करेंगी. थोड़ी टाइम के लिए टेम्परेली रिलीफ दे सकती हैं, बट यू जस्ट स्विच फॉर द योगा. आप बस एक प्रॉमिस अपने आप से कर लीजिए कि डेली 1 आवर आपको खुद को देना है. ठीक है, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो बाकी का 23 आवर्स भी आपका हेल्दी, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक निकलेगा. तो डेली 1 आवर खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए. खुद पे इन्वेस्ट करिए और ये सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट होगा. ट्रस्ट मी, ट्रूली इट वर्क्स. तो ये थी आज की शेयरिंग. मिलती हूँ दोबारा आपसे अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपसे हिल पेन को लेकर के कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस फॉलो करूंगी जो मैंने स्टार्ट की हुई हैं. तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड bye-bye.